दौलतपुर पट्टी बरखेड़ा पीलीभीत में जिला अध्यक्ष प्रेमलाल जी महाराज के द्वारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से चलकर आए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार, सलाहकार डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, अमित चौधरी, संत कुमार आदि लोगों का पहले गजरौला में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। फिर जिला कार्यालय दौलतपुर पट्टी में मंच पर मानवाधिकार के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार ने बच्चों की पढ़ाई व लड़कियों की सुरक्षा व हर मानव को उसके अधिकार के बारे में बताया। उन्होंने भारत माता की जय क्यों कहते हैं इसके बारे में बताया कि भारत देश में रहने वाली हर नारी हमारी बहन, बेटी और माँ है, इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा और आपका, माताओं बहनों भाइयों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीलीभीत की संगठन अगर इसी प्रकार कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं आज पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का कोई भी अधिकारी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमको बहुत ही, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी संगठन के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मानवाधिकार के लिए जानिए, उसको समझिए, मंथन करिए, कि वास्तविक हमारा अधिकार क्या है, हमको उठा के भजोली पुलिस क्यों ले जाती है, हमें अधिकारी क्यों सताते हैं, प्रधान क्यों सताता है, ब्लॉक प्रमुख क्यों सताता है, हमें अधिकार नहीं पता है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आप लोगों के लिए इस पीलीभीत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्यों में आग लेंगे, आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है और रहेगा। भी प्रॉब्लम होती है जो जेनुइन हो, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 30 से अधिक जनपदों में पदाधिकारी मौजूद हैं। पदाधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो समस्याएं हैं, जो एक न्यू है संगठन को ले जाने की, वो बरकरार रहे। बाकी संगठन में जो अधिकार सदस्य का है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। संगठन सबका है, आपका है, आपके परिवार का है। मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जा रहा है। यूएनओ में 56 सदस्यीय समिति का एक गठन किया गया था, जहां पर ये सोचा गया कि आज श्वेत अश्वेत को मार रहा है, जहां पर अश्वेत देश, तमाम महानुभाव ने आपको समझाया बताया, उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बताता जा रहा हूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो अत्याचार करता है और संविधान के द्वारा निर्मित धाराएं, नियम, विनियम, आर्टिकल्स उनका उल्लंघन करता है, वहीं पर समझ लीजिए कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मानवाधिकार आपका अधिकार है, हर व्यक्ति को कपड़ा पहनने का अधिकार, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार, हर व्यक्ति को बैठने का अधिकार, हर व्यक्ति को खाने पीने का अधिकार, ये सब मानवाधिकार। आज अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है।